जाएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग बाइक राइड पर निकले थे चांचल में, और दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर से उसे देखें। मैंने सेकंड वाले वीडियो में जहाँ तक बाइक राइड दिखाई थी, उससे हम लोग आगे जा रहे हैं, और अभी तो आप बस नज़ारे इंजॉय करिए। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं, और सामने का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारी क्रॉप्स लगी हुई है यहाँ, मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, और रोड भी देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, देखिए इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, और यहाँ पे फसलें लगी हुई है, ये देखिए। आपको पता होगा अगर तो बताइएगा कि ये कौन सी फसल है। ये देखिए नीचे, और ऐसे जाने का रास्ता है, और यहाँ पे इनकी बारी है। तो आगे चल के मैं दिखाती हूँ, और पूरे आम के पेड़ लगे हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने करेला भी लगाया है। तो इस तरह से खेती की जाती है। ये देखिए करेला, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा करेला, और ये एक करेला है। तो आगे चलते हैं, और आगे लगा हुआ है धान, ये शायद कुछ अलग सी फसल है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आप लोग जरूर मुझे बता सकते हैं। शायद ये खीरा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, वहां पे दूर में एक खीरा नजर आ रहा है, शायद ये खीरा का ही है। और इधर भी करेला ही लगा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह से बांस के ऊपर, और ये सब धागे लगे हुए हैं, ये देखिए व्हाइट वाला जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये धागे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा करेला भी है, तो आगे लगा हुआ है धान,
और उधर आई थिंक गन्ने लगे हुए हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। बस ऐसे ही हम लोग रुक गए थे देखने के लिए, और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। बस हम लोग ऐसे ही किसी छुट्टी के दिन में राइड पे निकल जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने। बहुत ही मन फ्रेश हो जाता है, और घर पे रह के मैं बोर भी हो जाती हूँ, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर घूमना। और जैसे ही हम लोग मेन चौक या अपने घर से थोड़ी दूर निकलते हैं, कुछ किलोमीटर में ही सारे जो खेत हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी धान लगाने का सीजन है, तो धान लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। आप अगर यहाँ आकर के विजिट करना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिट्टी जो है यहाँ पे गीली है, वही मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, देखते हैं। ज़्यादा इतनी गीली नहीं होनी चाहिए कि मेरा पैर जो है वो फंस जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये धान लगा हुआ है, ये देखिए है ना सुंदर, पूरा खेत है यहाँ पे इनका। बस दूर दूर तक सिर्फ धान की खेती दिख रही है यहाँ, और बीच में कुछ आम के पेड़ भी लगे हैं। ये सामने में आम के पेड़ लगे हैं, दूर में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए वहां पर मुझे लगता है फ्रेंड्स कि बैगन लगा हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको वहां पे ले जा करके। तो फ्रेंड्स, आपने कभी बैगन के पौधे नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए, पूरा यहाँ पे बैगन लगा हुआ है। और यहाँ पे बैगन के फूल हुए हैं, ये देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। ये जो पर्पल वाले फूल आप देख रहे हैं, इसी से बैगन निकलेगा। तो पौधा तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये है बैगन के पौधे। तो यहाँ पे पूरा बैगन इन्होंने लगा के रखा है, ये देखिए। इस तरह से तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से, और आगे चल के देखते हैं कि आगे हम लोग और कहीं रुक सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, आपको खेत घूम कर ये कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, और अभी चलते हैं आगे, और आगे चल के देखते हैं कि और कहीं घूम सकते हैं या नहीं, और कहीं रुकने की जगह होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुस्कुराते हुए, और बाइक हमने वहाँ पे खड़ी की थी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से, और आगे चल के देखते हैं। सब्जियों की खेती हुई रखी होगी फ्रेंड्स, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, आज दिवाली भी है और सुबह सुबह हम लोग घूमने निकले हैं। बस यहाँ पे रोड है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से और कहीं रुकते हैं, फिर मैं आगे का सीन दिखाती हूँ आपको। उधर का रोड है ऐसे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं, और आगे जाकर ये देखते हैं कहीं पर और रुकेंगे। बगल में सारे बेर के पेड़ हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। कर दो, कर दो।
सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी एक पॉन्ड के बगल में रुके हैं और ये जो पॉन्ड देख रहे हैं आप, इसके लेफ्ट साइड में और एक पॉन्ड है। देखते हैं अभी हम लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं या नहीं। जंप हो पाएगा? पीछे तू देखो। रीलू को डरा के भगा दिया। अभी मैं चल रही हूँ धीरे धीरे। हम लोग कहीं पे बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं और आप मेरे पीछे का सीन देख सकते हो। बस मैंने हेलमेट भी नहीं खोला, ऐसी पहन के घूम रही हूँ। असल में हुआ क्या, यहाँ पे दो पॉन्ड है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। बट यहाँ के क्रॉस करने की जगह हमें मिल नहीं रही है। इतना बड़ा जंप हम लोग नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से लेकर के पानी वहाँ पे है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि जाएं कहाँ से। ये देखिए सामने का नज़ारा इस तरह है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कहीं हमें बैठने की जगह मिलती है या नहीं आगे चल के।